मेरा नाम शौकत सिद्दीकी है, वैसे शौकत मनवा कहते हैं मुझे, मनवा मन की वजह से बोलते हैं। आपका नाम? मेरा नाम शौकत सिद्दीकी है, वैसे शौकत मनवा कहते हैं मुझे। मनवा क्यों बोलते हैं? मनवा मन की वजह से बोलते हैं। और आप क्या करते हैं? मैं अभी फिलहाल तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ, जैसे कि आपने देखा टीवी वगैरह में मेरे इंटरव्यू आया, तो बच्चों को ट्यूशन फ्री तालीम देने की कोशिश करता हूँ। चलो 100 में से 20 बच्चे भी निकल गए तो बड़ी बात है, क्योंकि जहालत और गुर्बत ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं, और निचले तबके की जो हालत है ना वो बहुत ही ख़राब। मेरी कोशिश होती है कापी पेंसिल भी उनकी पूरी करूं, या उनके खराजात देखूं, उनके कपड़े देखूं, उनकी तालीम, उनकी तहजीब, उनका तमद्दुन, उनका अदब। जब तक हम इन बच्चों को अपने माहौल में ढालेंगे नहीं, जब तक वो पढ़ नहीं सकते। और माँ बाप का ख्याल नहीं है पढ़ाने का। माँ बाप तो शुरू से बाप दादा से जाहिल हैं, सारे सब जाहिल हैं। तो इसी सूरत में इनको रास्ते पर लाना आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल काम। फिर भी मैंने थोड़ी बहुत जिम्मेदारी ली अपने ऊपर, कोशिश की है, अभी भी कर रहा हूँ। काफ़ी लोगों ने मुखालफत भी की, लेकिन मैं डटा रहा। अभी मैं 7-8 साल से डटा हुआ, तो अभी थोड़ा बीच में आके कुछ कंपल्सरी में आ गया था, ये हाथ मेरे कुछ दाने वाने निकल आए थे, जिसकी वजह से थोड़ा मैं बीमार हूँ। वैसे अल्लाह का करम है, ठीक है, अब ठीक हो रहा है, हाथ भी ठीक हो रहा है, मेरा जहन भी ठीक हो रहा है। वैसे पैदा ही शौक पे मैं आर्टिस्ट हूँ। हाँ जी, मैंने PTV जब शुरू चला था अयूब खान के ज़माने में, उस ज़माने में गफुरान इम्तियाजी साहब थे, चकराले में छोटा सा TV स्टेशन बना हुआ था 68 नंबर 4 के सामने, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में मैं काम करता था। मजदूरी करने वाले फौत हो गए थे, तो मैं वहाँ मजदूरी करता था, नौकरी करता था क्लर्क की, तो वहाँ से ही निकल के मैं TV स्टेशन चला जाता। आपने शुरू कैसे किया, ये कब किया, लाइक आपको क्या फील होता है कि आपको ये क्यों करना चाहिए, और आपको लग रहा है कि आपकी इस तालीम से कोई फ़र्क पड़ रहा है उनको, लाइक इतने साल हो गए आपको कुछ नज़र आ रहा है आपको डिफरेंस? हाँ, क्यों नहीं नज़र आएगा। मकसद है मेरा, जो मैं जब कराची आया ना, तो मुझे मेरा कोई ऐसा एम नहीं था, क्योंकि मैं तो घूमने फिरने आया था। यहाँ फिर वो रहाइश अख्तियार करनी पड़ गई, तो मेरा तो कारोबार कोई नहीं था, मैं तो कराची से अनवाकिफ हूँ, मुझे तो रास्ते भी नहीं पता, तो मैं क्या करता। तो मैं वहाँ जा कर बैठना शुरू हो गया फुटपाथ पर, वहाँ लोग आते थे बैठते थे, वो अहमद भाई थे एक, वो मेरे पास बैठे रहते थे, तो वो से डिस्कस होते होते उन्होंने कहा भाई अब आप क्या करेंगे। मैंने कहा यार बच्चे मिल जाए पढ़ाने के लिए तो वही मुझे दे दो। कहने का हाँ ये ठीक है, तो वो 4-5 बच्चे उन्होंने मुझे इनवाइट कर दिया कि ये 4-5 बच्चे हैं, फिर आज इनको पढ़ाएं। तो वो देखा देखी फिर काफ़ी बच्चे 5 से 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से, वो मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ता गया, वो लोगों का भी, वो बच्चे जी थे वो थोड़ा सा, मैं आपको पता है आर्टिस्ट माइंड आदमी कॉमेडी से, वो बच्चे हंसते थे मेरे साथ, लतीफे सुनते थे, वो बहाने से चीज़ें खाते थे। ये जो बचपन गुजरा है ना, तो वो मेरा बचपन शौक से भरपूर था। मैं हर उस काम को कैश करने की कोशिश करता था जो मुझसे नहीं होता था, और मैं उसको कर लेता था। मैं बहुत मकसद ज़हीन और बड़ा चालाक किस्म का बच्चा था, स्मार्ट था ना, पता दुबला, भागता भी बहुत तेज़ था, नाचता भी बहुत तेज़ था, और मैं जहनी तौर पे इतना वो था कि एक चीज़ मैं देख लूँ तो वो मेरे जहन में बैठ जाती थी। और मेरा एम यही था कि मैं कुछ करूँ, चाहे शो बिजनेस में करूँ, चाहे मीडिया में करूँ, चाहे तालीम एजुकेशन में करूँ, या मैं बच्चों को तालीम देने में कुछ करूँ, या कोई ऐसा बिजनेस करूँ जो मेरे आगे नस्लों के काम आए। तो अब इसमें बहुत से हालात ज़िंदगी के भी होते हैं, ज़िंदगी कहते हैं ना
उम्र गुजरी निगार खाने में, बस यूं ही दर्द के बहानों में। अब किसको मुर्शिद कहे मनवा, जगह मिलती नहीं आस्थानों में। मकसद आस्थानों में जगह मिल जाए तो बात है ना, यहाँ तो जो उठता है कुर्सी पे बैठता है वो मालिक बन जाता है। वो फिर वो बच्चे बढ़ते चले गए, 4 से 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ने लग गया। और फिर मैं थोड़ा सा कॉमेडी टाइप था, हंसाता बुलाता, टॉफियाँ तो चिप्स तो ये वो करते, उनको कॉपियाँ भी मिले जाके मैंने बाजार से दी, पेंसिलें किताबें नूरानी कायदे इस किस्म की किताबें, इस किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स जो थे वो मैंने पूरे किए, तो काफ़ी तादाद हो गई बच्चों की, 40-50 के करीब हो गए थे। फिर उसमें से घटने भी शुरू हो गए क्योंकि माँ बाप इतने उनके इंटरेस्टेड नहीं थे। फिर भी मैंने ज़बरदस्ती पढ़ाया भाई, घर से निकाल के पढ़ाया। वो अपना डाउन के इंटरव्यू में है ये बात कि घरों से उन्होंने भी बनाई भी थी, घरों से निकाल के लाते हैं, बुलाते हैं प्यार से, डंडे से डाल के उनको पढ़ाते हैं। तो मेरा भी एम बन गया, मैंने कहा यार चलो अब औरतों का काम है नहीं, तो ये मेरा शौक़ था, चलो ये थोड़ा सा इसको मूव करें। अब मसला ये है कि अभी तो फुटपाथ पर गुजारा, फिर बच्चियाँ बड़ी होती हैं तो वो फुटपाथ पर नहीं बैठती। जो छोटी छोटी बच्चियाँ थीं 5-5, 6-6 साल की, वो 8 साल के अंदर, 14 साल 15 साल की होगी, तो वो दैट्स वी कैन नॉट मूव ऑन द फुटपाथ। तो फिर वो घरों में जाना पड़ गया मुझे, कुछ वहाँ पे जाके पढ़ाने लग गया, कुरान उनको पढ़ाया, कुछ उर्दू पढ़ाई, और कुछ ये जो छोटे बच्चे थे उनको मैंने ये फुटपाथ पर कवर किया। और मसला ये है कि जगह नहीं है मेरे पास, मैं चाहता हूँ अगर इस काम को किया भी जाए तो मुकम्मल तरीके से एक स्कूल बने, एक अदारा बने, जहाँ ये तमाम बच्चों की मुफ्त तालीम का इंतज़ाम हो, एक टाइम के खाने का इंतज़ाम हो जाए, उनके खाने के पीछे वो भाग दौड़ के आते हैं ना, और कुछ कपड़े वगैरह साफ़ सुथरा है, उनको वर्दियाँ शर्दियाँ मिल जाएँ। तो इस किस्म का मैनेजमेंट करने के लिए अब अकेला तो मैं नहीं कर सकता, मेरी तो इनकम कोई नहीं है, अगर थोड़ी बहुत डोनेशन मुझे होती है तो वो मैं बच्चों पे लगा देता हूँ, घरवाली भी नाराज़ होती है, उधर से कमाए उधर बच्चों पे लगा दिए तो हमारा क्या बनेगा। मैं कहा अल्लाह मालिक है, गुजारा थोड़ा बहुत हो जाता है, चलो अगर हमें 1,000 रुपया डोनेशन आई है तो 200 हम खर्च कर लेंगे, 800 इस तरीके से करते करते। अब ज़िंदगी में जब मेरे वालिद फौत हुए थे ना, तो मेरी उम्र 12-13 साल थी, जाहिर है फिर मैं घर में सबसे बड़ा था तो सारी जो बर्डन था वो मेरे पे ही आना था ना। अब छोटी बहन भी थी, बड़ी बहन भी थी, दो भाई छोटे थे, उनकी पढ़ाई, तो मैं एक टाइम पे नौकरी करता था या मजदूरी करता था, दूसरी टाइम पे जाके ट्यूशन पढ़ता था, कभी रात को पढ़ता था, कभी दिन को पढ़ता था, कभी वकील साहब के पास मुंशीगिरी कर रहा हूँ, तो कभी जाके मिनिस्ट्री में नौकरी कर रहा हूँ, तो कभी जाके उसमें PWD में जाके दिहाड़ियाँ लगा रहा हूँ। मकसद जो मुझसे होता था, रंग का काम भी मैंने किया, मैंने पापड़ भी बेचे, मैंने बड़ा कुछ किया, स्ट्रगल की, और करते करते आप जाहिर है मैं लेट हो गया, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी। तो उसमें फिर मैं बड़ी हमशीरा की शादी हुई, उनका फड्डा हो गया, फिर उनको छोड़ छोड़ ही होगा दूसरी शादी की, फिर मेरी छोटी बहन की बारी आ गई। बात यह है कि मुझे डोनेशन की ज़रूरत है, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ पे, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, तो ये छोटे बड़े जितने भी हैं मुझे कम से कम थोड़ी बहुत डोनेशन दें। और असल मसला है जगह का, काफ़ी प्लाट यहाँ पे फिड़क पड़े हैं, KDA वाले दे दें, बेशक एजुकेशन वाले दे दें, कोई भी दे दें, ताकि मैं एक इदारा बना के उसको खड़ा करूँ। और ये जो जहालत का और ये गुर्बत का जो अंधेरा फैल रहा है गलियों में, इसको किसी तरह से ख़त्म तो नहीं किया जा सकता। एक आदमी अकेला मैं क्या करूँगा, जब तक मेरे साथ टीम नहीं होगी या लोग मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं तो ऐसे अकेला तो कुछ नहीं कर सकता। तो फिर ये है कि मैं आवाम से भी अपील करता हूँ, अपने करीबी लोगों से भी अपील करता हूँ, और जितना भी अच्छे घराने हैं, पढ़े लिखे घराने हैं, उनसे भी अपील करता हूँ कि मेरा साथ दें, ताकि मैं इसी अपने मिशन को पूरा करूँ। और अपने साथ साथ मैं जाहिर है बीमारी भी हालत में, हार्ट का भी मरीज हूँ, फिर भी मैं अपनी हिम्मत करके वहाँ पहुँचता हूँ बच्चों में। तो आप लोगों को चाहिए कि मेरी हेल्प करें, और
मेरे लिए जगह का बंदोबस्त होना चाहिए। का नाम सबसे ऊंचा है, आपका काम सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है, आप ही से और ये सारा कुछ जो है ये बस अब आप पर मुनहसर है, आप क्या करेंगे। बाकी दैट्स ऑल, थैंक यू सर।